हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग की राजनीतिक दलों पर पैनी नजर है। हरियाणा चुनाव विभाग ने के नोडल अधिकारी हैं मनीष कुमार लोहान। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों की रैलियों की वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। इसके साथ ही रैली में हो रहे खर्चे पर भी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर नजर रख रहा है। उन्होंने बताया कि 30 करोड़ रुपए के करीब शराब, ड्रग्स, गोल्ड, चांदी, नकदी और अन्य सामान बरामद किया गया और 10,000 से ज्यादा शिकायतों का निपटारा किया गया है। चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक में निर्वाचन आयोग ने क्या दिशा निर्देश दिए, इस बारे में हरियाणा चुनाव विभाग के नोडल अधिकारी मनीष कुमार लोहान से खास बातचीत की। चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। भारत निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों की रैलियों पर कैसे नजर रख रहा है, इस मेरे साथ हैं निर्वाचन विभाग के नोडल अधिकारी मनीष कुमार लोहान। इनसे जानते हैं कि राजनीतिक दलों पर भारत निर्वाचन आयोग कैसे निगरानी कर रहे थे। अनिल जी, क्योंकि अभी सारे नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई हैं और चुनाव में प्रचार प्रसार जोरों पर है, तो ऐसे में एक निष्पक्ष माहौल में चुनाव करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग समय समय पर विभिन्न हिदायतें जारी करता है। तो जो प्रचार प्रसार है उसके बारे में उसकी विभिन्न हिदायतें हैं। तो यदि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या कैंडिडेट को कोई रैली करनी है तो वो संबंधित जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे पहले परमिशन लेते हैं उस जगह की कि वो किस दिन, किस समय, किस स्थान पर रैली करना चाहते हैं। उसके अलावा फिर हमारी फ्लाइंग टीम्स हैं जो कि जो रैली है उस रैली स्थल की वीडियोग्राफी की जाती है, और उसके बाद हमारी असेसमेंट टीम्स हैं जो उस रैली का जितना भी जो वीडियोग्राफी आई है उससे असेसमेंट की जाती है कि वहाँ कितने लोग थे, कितना खर्चा लगभग हुआ होगा, और उसके बेस पर रिपोर्ट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर को भी दी जाती है ताकि उस कैंडिडेट के अकाउंट में उन रैली का या उनका जो खर्चा वो सही ढंग से जुड़ सके। तो इस प्रकार सभी जो कार्यविधि हैं जो हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं, स्टैटिक टीम्स हैं, उन सबके द्वारा। लोहान साहब, चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है और चुनाव आयोग ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल, कल चुनाव आयोग से सीनियर अधिकारियों की एक टीम आई थी और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर श्री हृदेश कुमार जी इस टीम को लीड कर रहे थे। तो उन्होंने कल हरियाणा के 11 जिलों की समीक्षा की थी यहाँ चंडीगढ़ के अंदर, और इसमें सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, एसपीज, पुलिस कमिश्नर्स, जो हमारे डिविजन्स हैं उनके डिविजनल कमिश्नर, IG पुलिस रेंज, और उसके अलावा जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो कि इस चुनाव के दौरान जो विभिन्न प्रकार की प्रतिबंधित वस्तुएं हैं या कोई ऐसा इलिसिट लीकर है उनको पकड़ने का जो काम करती हैं ताकि कैश लीकर या ड्रग्स की जो फ्लो है उसको भी कर्ब किया जा सके, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, इन सब के बारे में उन्होंने पूरा डिटेल रिव्यू लिया। और उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो आगे की जो तैयारियां हैं वो जो लेड डाउन गाइडलाइंस हैं उसके ध्यान में रखते हुए किया जाए। इलेक्ट्रल रोल की जो तैयारी करनी है, मार्किंग करनी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसकी कॉपी देनी है तो इसकी बड़ी अच्छे से तैयारी की जाए। जो हमारी पोलिंग पार्टीज होंगी उनकी ट्रेनिंग का अच्छे से व्यवस्था की जाए, बहुत अच्छे से करवाई जाए। इसके अलावा जो बूथ हैं, पोलिंग बूथ हैं, उन पे जो सुविधाएं मैंडेटरी हैं, और उसके अलावा क्यू मैनेजमेंट के लिए कि भाई अगर लंबी लाइन है तो वहाँ बैठने की उचित व्यवस्था की जाए ताकि वोटर ऐसा ना हो थक के वहाँ से चला जाए, और वेबकास्टिंग की जाएगी सभी पोलिंग स्टेशंस की। तो उसके बारे में दिशा निर्देश दिए कि वेब का जो कैमरा है उन सब की प्लेसमेंट और रिकॉर्डिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि हर चीज़ पे चप्पे चप्पे पे नज़र रखी जाए। और उन्होंने साथ ही जो वोटर टर्नआउट है उसको बढ़ाने के ऊपर ध्यान दिया, और उन्होंने कश्मीर के जो भी फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ है उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि कुछ जिलों में वहाँ पर विषम परिस्थितियों के बावजूद भी 85% तक मतदान हुआ है, तो उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हरियाणा में भी हमें मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। लोहान साहब, अभी तक कितनी रिकवरी की गई है। जी, विभिन्न जो हमारे इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी टीमों के द्वारा अब तक जो हमने तकरीबन 30 करोड़ के करीब रिकवरी की गई है, और कल की रिव्यू मीटिंग में भी इस बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ और सबको बताया गया कि आप अपनी टीमों की जो पोजिशनिंग है उसको चेक करें, कोई टीम यदि कम परफॉर्म कर रही है तो आप रीवर्क करें, टीम्स की ड्यूटीज़ के देखें ताकि इस रिकवरी को बढ़ाया जा सके, क्योंकि एक निष्पक्ष और स्वतंत्र माहौल का चुनाव आयोग करवाना चाह रहा है।
लोहान साहब, अभी तक सी विजिल और राजनीतिक दलों की कितनी शिकायतें आई हैं और कितनी शिकायतों का आपने निपटारा किया है? जी, हमारे पास सी विजिल ऐप पर 10,500 से ज़्यादा शिकायतें आ चुकी हैं अब तक, और उसमें से हमने 10,000 से ज़्यादा का निपटारा कर दिया है। और ये एक सतत प्रयास है जो चलता रहता है। शिकायतें जो भी आती हैं नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाती है। यदि किसी राजनीतिक दल की कोई विशेष शिकायत आती है और या किसी उम्मीदवार की कोई शिकायत आती है या किसी के खिलाफ कोई शिकायत आती है, तो उस पर जो संबंधित अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर या जो जिला अधिकारी हैं, उनसे रिपोर्टों लेकर आगे की नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। ये थे मेरे साथ निर्वाचन विभाग के नोडल अधिकारी मनीष कुमार लोहान। इन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग कैसे राजनीतिक दलों पर निगरानी रखता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।